नमस्कार। आज समाज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं, हरियाणा में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां इसके लिए जोर लगा रही हैं। इस बीच राव इंद्रजीत सिंह का बयान आया है, जिसको लेकर भाजपा भी चिंता में पड़ गई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की सत्ता का रास्ता जो है वो आयुर्वाद से होकर गुजरता है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि कोई ये ना भूले कि हरियाणा सरकार बनाने का रास्ता आयुर्वाद से ही होकर जाता है। उन्होंने कल ही कहा, हमने सोचा था कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार में परिवर्तन होगा, हम तो जीते, जितना चाह रहे थे वह नहीं जीते, 10 में से 5 सीटें आईं और इस बात का उन्हें दुख भी है। ये बात राव इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को भिवानी मंदिरगढ़ लोकसभा सीट पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की अटेली क्षेत्र में धन्यवाद दौरान के दौरान कहे। इससे पहले उन्होंने सेलंग अटेली में जनसभाएं की। इसमें दोनों संगठन के नेताओं के प्रति नाराज दिखे और इस बीच पत्रकारों के से बात करते हुए उनका दर्द भी छलका। उन्होंने इशारों में पार्टी के नेतृत्व को बता दिया कि वह यहाँ पिछड़ा वर्ग सम्मान रैली कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अमित शाह का हरियाणा में लगातार दूसरा दौरा है। अब जो दूसरा दौरा जो होने वाला है वो 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में हो रहा है और यहाँ पे वो ओबीसी वर्ग को साधने के लिए बड़ी रैली करने जा रही है। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत जो है हरियाणा के पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। 1977 से लेकर 2014 तक वो कांग्रेस में रहे। इसके बाद जनवरी 2014 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। लगातार छठी बार लोकसभा सदस्य बने हैं और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और 2 बार मोदी कैबिनेट में वो राज्य मंत्री बने हैं। आपको और जानकारी देते हैं कि सैलांग गांव में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वो लगातार छठी बार सांसद बने हैं। 2004 में वे भी राज्य मंत्री बने थे और 2024 में भी राज्य मंत्री ही हैं। इससे इस बयान से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अंदर ही अंदर कुंठा का शिकार हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे छोटे कद के जो लोग थे उनको कैबिनेट में शामिल किया गया और उनकी कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी की गई है। क्या इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं? क्या भाजपा को अहिरवाल में नुकसान उठाना पड़ सकता है? पर इसकी भरपाई के लिए अमित शाह ने पहले ही कमर कस ली है और वो 16 जुलाई को यहाँ एक रैली करने वाले हैं।